भला है, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले डिडक्शन की बात करें ना, तो हमारे बहुत सारे इनकम होते हैं सर। इनकम जैसे क्या हो सकता है सर, सैलरी से इनकम हो गया आपका, सैलरी के आपका पीजीबीपी से इनकम हो गया, या फिर आपका एचपी से इनकम हो गया। तो मान लेते हैं ये 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए और 3 लाख रुपए, तो टोटल इनकम हो गया 5, 4, 9 और 3, 12 लाख रुपए। तो ये हो जाता है हमारा ग्रॉस टोटल इनकम, इसे बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से हमें माइनस करते हैं, कुछ छूट गवर्नमेंट दे देती है जिसे बोलते हैं डिडक्शन। अब डिडक्शन कहाँ से कहाँ तक मिलता है सर, एटीसी से लेके एटीयू। हर किसी के अपने अपने कंडीशन है कि कब डिडक्शन देने हैं कब डिडक्शन नहीं देने हैं। इसके बिना क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। अगर एग्जामिनर ने बोला कि आप निकालिए इसकी टैक्सेबल इनकम, तो ये जो डिडक्शन देने के बाद जो हमारा नेट रिजल्ट आएगा ना, मान लेते हैं कि 50,000 का डिडक्शन मिल गया, तो 11,50,000 दैट इज टैक्सेबल इनकम। अगर एग्जामिनर पूछ ले कि ग्रॉस टोटल इनकम निकालिए, तो आपका यही क्या माना जाएगा सर, ग्रॉस टोटल इनकम। एग्जामिनर पूछ ले टैक्स लाइबिलिटी क्या होगा, तब जाके आपको इसके बाद इसके ऊपर वो रेट वगैरह जो सीखा है ना, तो वो लगाना है। तो यहाँ पे पॉइंट हम बात करें तो क्या क्या है सर, यहाँ पे बात हमारे पॉइंट की बात करते हैं। तो डिडक्शन के अंदर एक तो हमारा है सर के ग्रॉस टोटल इनकम, जो सारे इनकम को ऐड कर लेंगे पांचों हेड को, उसके बाद कुछ माइनस कर देंगे तो उसे बोलेंगे टैक्सेबल इनकम। और उस टैक्सेबल इनकम पे जब हम रेट अप्लाई कर देते हैं इनकम टैक्स का, तो उसको क्या बोलते हैं, टैक्स लाइबिलिटी। जिसमें से पहला डिडक्शन हमारा एटीसी का है। एटीसी क्या कहता है सर, एटीसी का आपका डिडक्शन पता है कब मिलने वाला है, एटीसी का डिडक्शन आपको कब मिलेगा, जब आप क्या हो गए सर, इंडिविजुअल हो गए और एचयूएफ हो गए। और आपको डिडक्शन कब मिलेगा, जब आप कंट्रीब्यूट का मतलब जमा करवाओगे, कहां सर, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में पेमेंट करोगे सर, कहां, एलआईसी प्रीमियम दोगे, किस्तें दोगे, सम पेड, या डिपॉजिट करते हो इन द प्रीवियस ईयर। कहता है कि जब भी एलआईसी में आप पेमेंट करोगे, तो एक बात का ध्यान रखना, एलआईसी में जितना पेमेंट करते हो आपको डिडक्शन सिर्फ 10% सम एश्योर्ड का मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने प्रीमियम दिया 15,000 रुपए और आपका जो LIC है उसकी कीमत है 1 लाख रुपए, यानी आपको मैच्योरिटी के बाद 1 लाख मिलेगा। आपने जमा कितना करा दिया सर, 15,000, तो इसका 10% ही डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, दैट इज आपका कितना आया, 10,000। तो आपको एटीसी में डिडक्शन कितना मिलेगा, सिर्फ 10,000। लेकिन बाय चांस आपने 8,000 रुपए का पेमेंट किया हुआ है प्रीमियम, तो आपको तो मैक्सिमम कितना कर सकते हो, 10, लेकिन आपने 8 ही पेमेंट किया, तो आपको कितना मिलेगा एग्जम्पशन, सिर्फ 8,000 रुपए का मिलेगा। लेकिन यही लिमिट बढ़ा के कितनी कर दी जाती है सर, 15% कर दी जाती है। 15% किसके लिए सर, हैंडीकैप, जो कि डिसेबल हो वहां के लिए। और ये चीजें 1/4/2012 से स्टार्ट हुआ था। 1/4/2012 के पहले अगर हम चले जाए ना, तो वहां पे ये रेट 20% हुआ करता था। उससे लेना देना वैसे ऐसा कुछ होगा नहीं। और सर ये जितने भी डिडक्शन है वो न्यू रिज्यूम के अंदर नहीं मिलने वाला, सिर्फ एक डिडक्शन को छोड़ के ये न्यू रिज्यूम में नहीं मिलेगा। तो ये था हमारा क्या, इंश्योरेंस रिलेटेड। इसके बाद आ जाते हैं सर, और कोई भी डिडक्शन है क्या, हाँ बिल्कुल, आप कंट्रीब्यूट करिए सर। कहाँ कंट्रीब्यूट करना है आपको, आप करते हैं पीएफ में, या फिर एसपीएफ में करते हैं, या आरपीएफ में करते हैं, या फिर आप सुपर एन्यूएशन फंड में करते हैं, तो ये फंड के नाम है जहां पे आप पैसा जमा करेंगे तो एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन यूनिट लिंक, यहां भी पैसे जमा करेंगे तो मिल जाएगा। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जब भी नाम आ जाए एनएससी, तो यहां भी पैसे अगर जमा करते हैं तो मिल जाएगा। सुकन्या समृद्धि अकाउंट, यहां भी पैसे जमा करेंगे मिल जाएगा। नाबार्ड में करेंगे तो मिल जाएगा, म्यूचुअल फंड में करेंगे तब भी मिल जाएगा। 5 ईयर पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, बैंक में करें चाहे पोस्ट ऑफिस में, 5 साल के लिए जमा करेंगे तो इसके डिडक्शन के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। कहां पे, एटीसी के अंदर सर। सीनियर सिटीजन स्कीम में डालेंगे तब भी हो जाएंगे। ये तो है कि आपने पैसा जमा कराया और ये पैसे आपको ब्याज के साथ, सब सूद के समेत ब्याज के साथ आपको क्या हो जाता है, रिटर्न मिल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे पैसे हैं जो कि आपको रिटर्न नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ पेमेंट करना है। जैसे क्या एग्जाम्पल है सर, इसके अंदर एग्जाम्पल है हमारा सर ट्यूशन फी। सर हमारा एग्जाम्पल क्या है, ट्यूशन फी, बच्चों के फुल टाइम कॉलेज के लिए पेमेंट होना चाहिए, स्कूल वाला नहीं चलेगा, फुल टाइम कॉलेज, रेगुलर कॉलेज वाले बच्चे के अगर पेरेंट्स भरते हैं तो एटीसी में इसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन है, यानी आपने कोई घर लिया हो बनाने के लिए, उसके लिए लोन दिया हो, तो उसके ऊपर मिलेगा। सर अगर एटीसी की बात करें, आपको इतनी जगह पे इन्वेस्टमेंट करने की जगह दे रखी है, तो आप अपनी मर्जी से जितना मर्जी डिपॉजिट कर दो तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। मैक्सिमम लिमिट कितना बोला हुआ है सर इसने, कि आपको 1.5 लाख का ही डिडक्शन मिल सकता है। ये चार्ट की मैं बात करूं तो 10 ईयर के अंदर ये चार्ट गिवन है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, रिटर्न वगैरह करने की कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं सर, आगे क्या है सर हमारा AT CCC। AT CCC क्या कहता है, कि आपको जो कंट्रीब्यूट करना है ना, कुछ यहाँ पे आए थे, कौन कहता है कंट्रीब्यूट टू सर्टेन पेंशन फंड, एनी अमाउंट पेड और डिपॉजिट कीप इन द सर्टेन, जो कि LIC ऑफ इंडिया ने उसको बना दिया है। LIC ने एक सर्टेन फंड बना दिया था, उस सर्टेन फंड को जब बनाया था LIC ने, तो LIC ने जब सर्टेन फंड बना दिया था, एक सेकंड, मैं इन सभी को पहले
जब LIC ने क्या करा था, सर्टेन फंड बना दिया था, तो उस फंड में अगर आप NPS, NPS का मतलब क्या होता है कि रिटायरमेंट के फंड के लिए आपको पैसे जमा करने होते हैं, तो अगर वहां डालोगे तो आपको कितना, कौन से सेक्शन में डिडक्शन मिलेगा, 80CCC। लेकिन आप ध्यान रखना, जो 80C था और 80CCC दोनों का मिला के डिडक्शन लिमिट कितना करा हुआ इन्होंने, 1.5 लाख। इसके बाद हम आगे चलते हैं सर, 80C के बाद 80CCD, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन 80CCD। 80CCD के अंदर बोला गया कि भैया आप फिर से पेंशन में जाएंगे। पेंशन में कौन जाएगा? इंडिविजुअल जाएगा, एम्प्लॉयड जाएगा बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर एम्प्लॉय। यानी इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी पैसा जमा करवा सकता है, एनी अदर एम्प्लॉयड भी जमा करा सकता है। एम्प्लॉयर की बात चल रही है, अदर इंडिविजुअल SSC कहता है कॉन्ट्रीब्यूशन टू द पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बनाया उसके अंदर आप डिपॉजिट करते हो, एनी इंडिविजुअल एम्प्लॉयड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सरकारी नौकरी कर रहे हो आप, रेलवे के अंदर नौकरी कर रहे हो, दिल्ली पुलिस में नौकरी कर रहे हो, आपका PF का पैसा कटेगा या फिर जो पैसा आपके सैलरी में से काट लिया जाएगा और बोला जाएगा हम आपके NPS में डाल रहे हैं, दैट इज आप NPS के अंदर क्या कर रहे हो, डिपॉजिट कर रहे हो। तो आफ्टर 1/4/2004, क्योंकि 1/4/2004 से पहले हमारा रिटायरमेंट के लिए मिला करता था पेंशन, उसके बाद खत्म कर दिया गया, तो ये नया स्कीम लेके आए। एनी अदर एम्प्लॉई और एनी अदर SSC बीइंग एन इंडिविजुअल, कोई भी एम्प्लॉई हो, SSC हो, इंडिविजुअल होना चाहिए, हु पेड डिपॉजिट एनी अमाउंट हिज अकाउंट अंडर द नोटिफाइड पेंशन स्कीम, पेंशन स्कीम के अंदर, तो आपको यहाँ डिडक्शन मिल जाएगा सर। लेकिन डिडक्शन कितना मिलेगा सर, मैक्सिमम आपका कितना कर सकते हो? बोला गया भैया एम्प्लॉई ज्यादा पैसे डालने की जरूरत नहीं है, या तो आप 10% ऑफ सैलरी डालो। सैलरी का मतलब क्या है? बेसिक सैलरी प्लस में DA रिटायरमेंट बेनिफिट वाला, ये है यहाँ पे सैलरी का मतलब। और इन केस ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन CCD 1, तो यहाँ पे CCD 1 के अंदर आपको 20% तक रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है GTI। ये कौन से एम्प्लॉयर है सर? अदर। तो आप ध्यान से समझिएगा, CCCC के अंदर बोला, CCCD के अंदर क्या बोला कि अगर आप पैसा, आप सब एम्प्लॉई, अपने आप को थोड़ी देर के लिए एम्प्लॉई समझिए, आप अगर एम्प्लॉई हो और आपके सैलरी में से पैसे काट लिए जाते हैं आपके पेंशन के नाम से, सरकारी जगह पे काम करते हो तब काटे जाते हैं, तो 10% तक का डिडक्शन मिल सकता है। अगर आप सरकारी नहीं, कहीं और काम करते हो, तो 20% GTI किसका? उसका ग्रॉस टोटल इनकम का, वो कट के डिपॉजिट कर सकता है एम्प्लॉयर के द्वारा। तो यहाँ पे आने के बाद, लेकिन याद रखना टोटल लिमिट कितनी है सर? 1.5 लाख रुपए की। 1.5 लाख की कौन सी? सारी लिमिट मिला के, 80C की मिला लो, 80CCC की मिला लो और 80CCD की मिला लो। लेकिन CCD के अंदर ना दो पार्ट आ जाता है सर, CCD 1B आता है एक एक्स्ट्रा, और एक CCD 2B आ जाता है हमारा। तो 1B की बात कर लेते हैं। 1B बोलता है कि भैया आपको ना हम ऐसा करते हैं कि अलग से एक्स्ट्रा डिडक्शन देंगे, यानी आप 1.5 लाख जमा कर चुके हो तो आपको एक एडिशनल डिडक्शन भी हम देने वाले हैं। कितना एडिशनल डिडक्शन देंगे हम सर? 50,000 रुपए का एडिशनल। यानी अगर देखा जाए तो 80C के अंदर, 80CCC के अंदर, 80CCD के अंदर, और इन तीनों को मिला के तो सर 1.5 लाख है। लेकिन अगर मैं बात करूं 80CCD 1B की बात करें, इसका अलग से 50, तो यानी सर टोटल डिडक्शन कितना मिल गया आपको? 2 लाख रुपए का मिल चुका है, इस बात का ध्यान रखिएगा, 2 लाख का मिल चुका है। अब इसके बाद करते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर डालेगा कहां? 80CCD 2 के अंदर। सर ये न्यू रिज्यूम में भी अप्लाई है, सबसे मेन थिंग, ये न्यू रिज्यूम में करोगे ना तब भी ये डिडक्शन अवेलेबल होगा सर। डिडक्शन ऑफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 80CCD 2 में रिस्ट्रिक्टेड टू 14% ऑफ सैलरी से ज्यादा आप नहीं जमा करा सकते इन केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, 10% इन केस ऑफ अदर के केस में, और द लिमिट 1.5 लाख अंडर सेक्शन 80CCE डज नॉट अप्लाई अंडर सेक्शन 80CCD 2। यानी सर जो 1.5 लाख की लिमिट है ये इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता, ये अलग से आप जब भी डालोगे CCD 2 में तो अलग से आपको डिडक्शन इसमें मिलेगा। तो ये हमारा खत्म हो जाता है सर 80C की सीरीज। फिर से दोबारा फटाफट से क्विकली, 80C के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, पेमेंट करना है, कितनी लिमिट? 1.5 लाख। 80CCC कहां पैसे जमा करना है? LIC में। कितनी लिमिट दोनों का मिला के? 1.5 लाख। 80CCD में NPS के अंदर पैसा डालना है, सेंटर हो चाहे अदर, कितनी लिमिट? टोटल मिला के 1.5 लाख। 80CCD 1B के अंदर, उसके अंदर अलग से लिमिट दे दिया गया, कितना? 50,000। 80CCD 2 के अंदर वहां पे क्या बोल दिया गया? सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्ट हो तो आपको 14% सैलरी का दिया जाएगा और अदर के, सॉरी आपको, हाँ अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्ट हो तो रिस्ट्रिक्टेड 14%, अदर के केस में आपका क्या आ जाएगा? 10%। इसकी लिमिट उस 1.5 लाख के अंदर कवर नहीं है। तो बेसिकली मैं बोलूं तो 80CCD 2 की अगर हम बात करें तो इसकी लिमिट जितना भी कंट्रीब्यूशन करोगे तो रिस्ट्रिक्टेड होगा। मान लेते हैं कि आपकी 10 लाख रुपए की सैलरी है तो 10% आप जमा कर दीजिए, यानी 1 लाख रुपए अलग से, तो टोटल मिला के 3 लाख रुपए का डिडक्शन लिया जा सकता है। सर 80C था, आपके पैसे जमा करोगे आपको वापसी मिल जाएगा। आ जाते हैं 80D। 80D कहता है बीमारी के बाद,
एटीडी क्या कहता है सर, बीमारी। अगर आप बीमार हो जाते हो तो उससे बचने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ इंश्योरेंस प्लान निकाला हुआ है। तो बीमारी की बात करें तो आपको क्या करना है कि इंश्योरेंस लेना है। इंश्योरेंस कौन सा लेना है? मेडिक्लेम का। मेडिक्लेम का मतलब जब आप क्या करते हो, साल में 10 से 12 हजार रुपए का प्रीमियम पे करते हो, 10 से 12 हजार में आपका इंश्योरेंस कवर हो जाता है 10 से 20 लाख रुपए का। तो अगर कोई भी आप इंश्योरेंस प्रीमियम लेते हो, कौन होना चाहिए आप इंडिविजुअल हो चाहे एचयूएफ हो, तो आप कोई भी इंश्योरेंस प्रीमियम लोगे तो उसका डिडक्शन कहाँ मिलेगा? एटीडी के अंदर। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है सर, आप ना कैश में इंश्योरेंस एजेंट को पेमेंट मत कर देना। अगर आपने कैश में पेमेंट कर दिया तो ये सेक्शन एक्टिवेट नहीं होगा, ये आपको डिडक्शन के लिए अलाउड ही नहीं करेगा। आपको पेमेंट किस में करना है? अदर देन कैश। अदर देन कैश का मतलब अकाउंट पे ही चेक में कर सकते हो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के थ्रू कर सकते हो। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम किसके लिए लेना है? एनी प्रीमियम पेड अदरवाइज बाय वे ऑफ द कैश, कैश के अलावा होना चाहिए। इंश्योरेंस पॉलिसी किसके? इन केस ऑफ इंडिविजुअल, अपने लिए लो, अपनी बीवी के लिए लो, अपने डिपेंडेंट चाइल्ड के लिए लो। यहाँ पे वर्ड है डिपेंडेंट चाइल्ड, यानी 18 साल से ऊपर के बच्चे के लिए आप नहीं ले सकते ये क्लेम, डिपेंडेंट जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। इसके बाद कहता है इन केस ऑफ एचयूएफ, एनी मेंबर के लिए ले सकता है सर। यहाँ पे प्रीमियम पेड एंड अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूशन CGHS, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का एक हॉस्पिटल स्कीम था CGHS, जहां पे आपको कंट्रीब्यूट कितना करना है सर, 25,000 रुपए तक होगा। इन केस ऑफ सीनियर्स, अगर इन केस ऑफ पर्सन सीनियर सिटीजन, तो ये लिमिट हो जाएगी 50,000। तो आप जितना भी प्रीमियम पेड कर दें, टोटल आपको डिडक्शन कितना मिलने वाला है सर? 25। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो उस केस में कितना मिल जाएगा सर? 50,000 रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है इसी के अंदर, इन केस ऑफ इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूट CGHS अदर स्कीम के अंदर, तो वो भी इसी के अंदर लिमिट के अंदर कवर है। तो ये वाला तो इतना मेन पॉइंट है नहीं, ये वाला इतना मेन पॉइंट है नहीं। आगे आ जाते हैं सर, दूसरा पॉइंट देखिएगा, एनी प्रीमियम पेड बाय क्या कहता है सर? एनी प्रीमियम पेड बाय, कोई भी प्रीमियम आप पेड करते हैं अदरवाइज द वे ऑफ कैश, कीप इन द फोर्स। इंश्योरेंस हेल्थ आप किसके लिए करते हैं? पेरेंट्स के लिए, वेदर और नॉट डिपेंडेंट इंडिविजुअल। कहता है कोई भी प्रीमियम पेड करें अदरवाइज द वे ऑफ कैश, अपने पेरेंट्स के लिए, वेदर और नॉट डिपेंडेंट और इंडिविजुअल, किसी के लिए भी करते हैं और किसके लिए सर? हेल्थ पेरेंट्स के लिए। तो प्रीमियम अगर आप पेड करते हैं तो कितनी लिमिट मिलेगी आपको इसके लिए? 25। और अगर सीनियर सिटीजन आपके पेरेंट्स है तो उसके लिए भी क्या, यानी सर अपने लिए भी 25 है और अपने माता पिता के लिए भी 25 है, लेकिन दोनों ही सीनियर सिटीजन है तो कितने लिमिट आ जाती है सर? वो 50,000 की आ जाती है। नोट क्या है सर, कई बार पेरेंट्स ना सुपर सीनियर सिटीजन होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा बुजुर्ग होते हैं, उनका इंश्योरेंस हो ही नहीं पाता। क्या कहता है? एनी अमाउंट पेड अदरवाइज द वे ऑफ कैश अकाउंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर, यानी वो बीमार है, उनके खर्चे पे आप बीमारी पे खर्च कर रहे हो। इनकर्ड हेल्थ ऑफ SSC फैमिली मेंबर हिज पेरेंट्स हु इज वेरी सीनियर सिटीजन, मतलब 60 साल से ऊपर ही मान लो या 80 साल से प्लस है, नो अमाउंट हैज बीन पेड अफेक्ट कीप इन द फोर्स, यानी इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं भी भर रहे तो चलेगा सर, डिडक्शन मिल जाएगा। कितना डिडक्शन मिलेगा सर इसके लिए? 50,000 रुपए का डिडक्शन मिलेगा। अल्टीमेटली आपको 25,000 नॉर्मल पर्सन के लिए टोटल है 25,000 रुपए, और 50,000 किसके लिए? सीनियर सिटीजन के लिए। लेकिन इंश्योरेंस कराना तभी जरूरी है अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, तो वहां पे इंश्योरेंस नहीं है, उसके मेडिकल खर्चे पे भी आप क्लेम कर सकते हो। तो ये पूरा का पूरा हमारा खत्म हो जाता है सर ATD। एक और है कि पेमेंट आप करते हो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए। कहता है कि पेमेंट इंक्लूड द कैश पेमेंट ऑफ द प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, यानी पेमेंट के अंदर आपको अगर 5,000 रुपए का अलग से पेमेंट कर रहे हो ना, तो कहता है अमाउंट पेड सब्जेक्ट टू कैप ऑफ 5,000 इन एग्रीगेट सब्जेक्ट टू द ओवरऑल इंडिविजुअल लिमिट 25,000 रुपए। कहता है कि सर यहाँ पे आपको ना एक लिमिट दिया जाता है, एक आपका प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होता है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप क्या होता है? हर साल बहुत सारे लोग, मैं तो नहीं करा रहा, लेकिन बहुत सारे आप में से कोई होगा जिनके फैमिली का पूरे साल में बॉडी चेकअप होता है। बॉडी चेकअप क्यों करवाते हैं? कहीं कोई बीमारी तो नहीं है, पहले से आप उसको क्योर कर पाओ, इसलिए आप क्या करवाते हो? अपने बॉडी का चेकअप टाइम टू टाइम करवाते रहते हो। तो कहता है पेमेंट इंक्लूड कैश पेमेंट, पेमेंट कैश में भी कर सकते हो यहाँ पे हेल्थ चेकअप के लिए, हेल्थ सर्व स्पाउस चिल्ड्रन डिपेंडेंट और पेरेंट्स। कहता है अमाउंट जो भी पेड करोगे सब्जेक्ट टू कैप ऑफ 5,000, यहाँ पे 5,000 रुपए तक मिलेगा इन एग्रीगेट पूरा जोड़ के, सब्जेक्ट टू द ओवरऑल लिमिट ऑफ इंडिविजुअल 25,000 रुपए और 5,000 रुपए एज। तो यानी अगर सर आप इंश्योरेंस लेते हो तो 20,000 इंश्योरेंस का और 5,000 रुपए किसका मिल जाएगा आपको? प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए। इसके बाद सर ATD, एक बार दोबारा से कर लेते हैं। ATD के अंदर अगर आप कोई भी इंश्योरेंस लेते हैं तो उसका आपको डिडक्शन मिल जाता है 25,000 रुपए, सीनियर सिटीजन के लिए 50,000। अगर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराते हो तो 5,000 कैश में अलाउड है, अदरवाइज कभी भी कैश में पेमेंट मत करना, बहुत सीधी सी बात है। ATDD ये बीमारी है।
कौन सी बीमारी है सर? इसके अंदर रेजिडेंट होना चाहिए। देखिए शब्द देखिए, रेजिडेंट, वहां पे कई बार बोल देते हैं नॉन रेजिडेंट है, तो इस शब्दों पे जाइएगा, ये जरूर पता होना चाहिए इंडिविजुअल हो या फिर HUF। किस लिए है सर? मेंटेनेंस इंक्लूड मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट डिसेबल, जो भी आपके ऊपर डिपेंडेंट है उस डिसेबल के अंदर। एनी अमाउंट इनकर्ड ऑफ द मेडिकल ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग द नर्सिंग, नर्सिंग का मतलब जो नर्स केयर करती है ना वो भी है मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ। ट्रेनिंग एंड आपका रीएबलेसमेंट ऑफ द डिपेंडेंट डिसेबल, मतलब ट्रेनिंग दे रहे हो और या फिर उसको चलाने, जैसे फिजियोथेरेपी वगैरह होते हैं तो उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे फ्लैट डिडक्शन कितना मिल जाता है सर? 45,000 अगर 40% डिसेबिलिटी है आपका, लेकिन 40 से 80% लेस देन है तब काम करेगा ये। लेकिन अगर वही चीज एनी अमाउंट पेड डिपॉजिट अंडर द स्कीम ऑफ फॉर्म बाय LIC, LIC ने जो स्कीम बनाया हुआ है उस स्कीम के अंदर अगर आप पैसे जमा करते हो सर, तो उस केस के अंदर आपका एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशल कंपनी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड अप्रूव्ड करता है पर्सन मेंशन इन द कॉलम नंबर टू के अंदर जो भी मेंशन किया हुआ है। यानी बड़ी सीधी सी बात करते हैं कि अगर आपकी डिसेबिलिटी होती है ना 80 से ज्यादा, तो आपको कितना मिल जाएगा सर? 1,25,000। कौन कौन है सर? इंडिविजुअल, HUF, और सर डिपेंडेंट के डेफिनेशन में कौन कौन आता है सर? स्पाउस आएगा, चिल्ड्रन आएगा, पेरेंट्स आएगा, ब्रदर आएगा, सिस्टर आएगा, आपके फैमिली मेंबर जो भी होगा उसके अंदर HUF के अंदर। तो बड़ी सीधी सी बात है कि अगर कोई पर्सन अपने डिपेंडेंट जो कि डिसेबल है, मतलब कि हैंडीकैप है, उसकी बीमारी पे खर्चा कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में वो सीधा 75,000 का डिडक्शन ले ले, चाहे खर्चा वो 100 रुपए का करता है, लेकिन डिडक्शन कितना ले लेगा? 75। लेकिन कंडीशन है 40 से 80 के बीच में उसकी डिसेबिलिटी प्रूफ होनी चाहिए। जब रिटर्न फाइल करेंगे ना, तो उस टाइम ये डॉक्यूमेंट मुझे अपलोड करने पड़ेंगे। अगर 80 से ज्यादा है तो कितना ले लोगे फ्लैट? इसके बाद है हमारा 80DD, इसके अंदर बहुत खतरनाक बीमारी है। 80DD कहते हैं दिल दहला देने वाली बीमारी, ठीक है ना? 80DD, तो इसके अंदर क्या है सर? ये रेजिडेंट को मिलेगा, इंडिविजुअल को मिलेगा। डिडक्शन इन द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द स्पेसिफाइड डिसीज, सर स्पेसिफाइड डिसीज कौन से? जो इनकम टैक्स के कानून के अंदर, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो मेंशन है उसके लिए मिलेगा, अमाउंट पेड स्पेसिफाइड डिसीज के लिए। किसको मिलेगा सर? SSC में कौन होगा? एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में कौन हो सकता है? खुद के लिए बीमारी हो, और जैसे हिज डिपेंडेंट बीइंग स्पाउस, चाइल्ड, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, होली और मेंटली डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल फॉर सपोर्ट एंड मेंटेनेंस के लिए होगा सर। यहाँ पे क्या मिलेगा? अगर एक्चुअल सम पेड करते हो और 40,000 रुपए इन केस ऑफ 1,00,000 रुपए किसका? ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ द सीनियर सिटीजन, तो 40 और 1,00,000 रुपए होगा। माइनस अगर अमाउंट रिसीव फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी अगर कोई रिसीव करते हो तो वो क्या कर दोगे? आप माइनस कर दोगे। यानी यहाँ पे बहुत खतरनाक बीमारी दे रखा है, जैसे कि आपका कैंसर हो गया, तो वो लिस्ट आपको इनकम टैक्स के कानून में लिखा हुआ है, वो लिस्ट के अकॉर्डिंग जो बीमारी होता है वो 80DD में आ जाता है। और उस बीमारी की वजह से अगर उसका इलाज पे जो आप खर्चा कर रहे हो, इंश्योरेंस नहीं कराना है यहाँ पे, इलाज के ऊपर सर जो खर्चा कर रहे हो उसके अंदर आपको डिडक्शन मिल जाता है 40,000 रुपए का। लेकिन अगर सीनियर सिटीजन के इलाज पे खर्चा कर रहे हो तो कितने तक का मिल जाएगा? 1,00,000। यहाँ पे फ्लैट लिमिट नहीं है, विच एवर इज क्या रहेगा? लोअर। आपने 5,000 खर्च किया और लिमिट दे रखी है 40,000, तो आपको डिडक्शन कितने का मिलेगा? सिर्फ 5,000 रुपए का। कितने का मिलेगा? लेकिन इससे पिछले वाला सेक्शन था, आपने 5,000 खर्चा किया, लिमिट दे रखा है 75,000, तो डिडक्शन कितने का मिलेगा? 75,000 रुपए। वो डिसेबल वाला था, डिसेबल वाले में फ्लैट है और यहाँ पे क्या है हमारा? लिमिट दे रखा है अप टू लोअर वाला। ये था सर 80DD। अब आ जाते हैं सर, बहुत सुंदर सा सेक्शन है हमारा 80E। अब बीमारी भी चली गई, अब बीमार भी ठीक हो गए, आपने पैसे भी इन्वेस्टमेंट कर दिए, तो अब पढ़ाई के ऊपर खर्च करने का टाइम आ गया है। 80E क्या कहता है सर? अगर आप पढ़ाई के ऊपर खर्च करने जा रहे हैं तो स्टडी के ऊपर खर्च करिए, लेकिन आप खर्च करने के लिए कई बार आपको हायर एजुकेशन के लिए क्या लेना पड़ सकता है सर? लोन। हायर एजुकेशन का मतलब 12वीं पास नहीं होता, हायर एजुकेशन का मतलब वो होता है जो कि फुल टाइम, जैसे कि MBA हो गया, आप MBA IIM से कर रहे हो, IIT कर रहे हो, तो ये सारे एजुकेशन किसमें काउंट हो जाते हैं सर? फुल टाइम, जहाँ पे आप जाते हो आते हो वहाँ की फीस भी महंगी होती है। तो हायर एजुकेशन के लिए कोई भी इंडिविजुअल अगर लोन लेता है सर, किसके लिए? अपने सेल्फ के लिए, स्पाउस के लिए, चिल्ड्रन के लिए लोन ले, तो उस लोन का जो इंटरेस्ट होता है ना, उस इंटरेस्ट का डिडक्शन कहाँ मिल जाता है सर? 80E में डिडक्शन क्या मिलता है? इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अप्रूव्ड सेंट्रल चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन सच लोन टेकन परस्यूइंग द हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन हिज हर कहता है कि अपने लिए हो या हर रिलेटिव के लिए हो, स्पाउस के लिए हो, चिल्ड्रन के लिए हो या स्टूडेंट के लिए हो, इंडिविजुअल लीगल गार्जियन जो भी हो,
सर इस डिडक्शन को क्लेम करने के लिए ना, ऐसा नहीं लोन का किस्त आप 20 साल के लिए बनवा लो, यहाँ पे आपको क्लेम करने के लिए आपको मैक्सिमम लिमिट कितने गिवन है सर? 7 साल गिवन है। एक बार ये ना सेक्शन मैं क्लियर कर लूंगा, 7 है या 8 है, आई थिंक ये 8 साल है, यहाँ पे थोड़ा सा एरर है। किसी के पास किताब है तो आप चेक कर लीजिए क्या है हमारा, एक बार मैं देख करके ही बता देता हूँ आपको, शायद ये 8 साल है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। 8 ईयर है सर, इसको ठीक कर लीजिए। हाँ 8 ईयर है ये, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसे कर लीजिएगा 8 ईयर। द इंटरेस्ट पेड फुल बाय द एसएससी विच एवर इज अर्ली, रहे 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 के क्वेश्चन में क्वेश्चन थ्योरी सर, सर पहली किस्त ये है 1,05,000, तो 1,05,000 का डिडक्शन नहीं मिलेगा ईटी में, सिर्फ किसका मिलेगा सर? इस 5,000 की मैं बात कर रहा हूँ। तो 5,000 10 किस्तों तक है, गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि सर आप किस्तें बनाई है लेकिन आपको 8 किस्तों तक ही बेनिफिट मिल सकता है मैक्सिमम, 8 सालों तक, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बाकी के जब 2 किस्त भरेंगे ना 9वें और 10वें साल में, तब आप ईटी का क्लेम ले ही नहीं सकते। लेकिन इनकेस आपने मान लेते हैं 5 किस्तें बनाई, 2-2 लाख के, 2-2 लाख के कितने किस्तें बनाई आपने, 4 और 1 5, और इंटरेस्ट भी इसमें इंक्लूड होगा, तो आपने 5 भरा, गवर्नमेंट ने कितना अलाउड कर रखा है 8, तो लेकिन आपकी 5 ही किस्त में लोन खत्म हो गया, तो आप कितने किस्त तक आप क्लेम कर सकते हो? सिर्फ 5 तक कर सकते हो। तो यही बात यहाँ पे कहा है, तो करेक्ट कर लेना 10 ईयर के अंदर, ये 7 के बजाय क्या है सर, 8 है। ये फिर से दोबारा देखिए, 80 हायर एजुकेशन के लिए पढ़ने जाना है आपको, उसके पढ़ने के लिए जो लोन लोगे उसके ब्याज का डिडक्शन कहाँ मिल जाएगा सर? 80E के अंदर मिल जाएगा सर। अगला सेक्शन आ जाते हैं 80EE, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन एक तरीके से देखा जाए, बहुत सारे सेक्शन इंट्रोड्यूस नए हुए थे। सर कहता है 80EE, लेकिन ये सेक्शन ना अब आपके काम का नहीं है, क्योंकि ये सेक्शन बोला गया था कि लोन शुड बी सेंक्शन 2016-17 में होना चाहिए, यानी पुराने जब गवर्नमेंट बनी थी तो उस टाइम लेके आए थे, अब ये खत्म रह गया कि 16-17 के टाइम पे लोन लिया हुआ आप, ज्यादा ये वैलिड नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लेना। आपने याद पढ़ा होगा हाउस प्रॉपर्टी, तो हाउस प्रॉपर्टी में क्या था हमारा 24B के अंदर आपको बोला गया था कि आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा, सेम आ गया सर, ये एक नया सेक्शन आ गया 80EE, ये भी बोलता है मैं भी इंटरेस्ट का डिडक्शन ही दूंगा, और लेकिन किस लिए लोन लिया हो सर? लोन लिया हो आपने हाउस प्रॉपर्टी बनाने के लिए, तो आपको दो दो डिडक्शन का बेनिफिट मिल रहा है, एक तो कौन सा 24B का, और एक कौन आ गया देने के लिए, तो जो देने के लिए आएगा ग्रॉस टोटल इनकम के बाद, और जो 24B है वो कहां देने के लिए आएगा, HP के अंदर। तो ऐसे सिचुएशन में बोला गया अगर आपका इंटरेस्ट, मान लेते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो, 2 लाख, और खर्चा हो रहा है, खर्चा हो रहा है 2.5 लाख, तो 2 लाख वहां से क्लेम कर लो, बाकी 50,000 के लिए आप यहाँ एग्जॉस्ट कर लो, आप यहाँ पे कर लो, नहीं उन्होंने इसलिए करा हुआ है सर, आपका लोन अमाउंट 35 से ज्यादा और आपका हाउस का वैल्यू 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये सारी कंडीशन जब पूरी करोगे तब आपको 50,000 रुपए का क्या होगा मैक्सिमम एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। लेकिन सपोज करो आपने 3 लाख रुपए का डिडक्शन है, 2 लाख रुपए तक तो ले लिया आपने 24B में, आप बचा 1 लाख, 1 लाख में से 80EE में आ जाओगे, 80EE में अगर आते हो तो आप कितना डिडक्शन ले सकते हो मैक्सिमम 50,000, तो ये आया था। हालांकि मैं बोलूं तो अब ये सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट ना तो आपके एग्जाम के लिए ना तो हमारे रियल लाइफ में, क्योंकि 16-17 हमारा कब का जा चुका है, तो इसके अंदर आपका ये था। अब आगे आते हैं, चलिए सर अब कौन सा 80EEA, इसको ये एक्सटेंड कर दिया गया, लोगों ने बोला कि भैया वो वाला खत्म हो गया 16-17, आप कुछ नया लेके आओ, तो बोला गया ठीक है भैया अब आप लोन कब ले लो सर? लोन आपने लिया हो फिर से किस लिए लिया हो? घर बनाने के लिए, तो घर बनाने के लिए कौन सा दिया जाता है सर? 24B, बोला 24B में आप नहीं हो पाए इंटरेस्ट का डिडक्शन लेने में, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का हो चाहे कोई भी वट एवर हो, तो आप कहाँ आके ले लेना 80EE के अंदर। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन दे दिया गया कि आपके हाउस का वैल्यू कितना होना चाहिए, लोन कितने का है मर्जी नहीं है, आपके घर 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वैल्यू ऑफ हाउस कितना होना चाहिए आपका 50 लाख। SSC डज नॉट ऑन एनी रेजिडेंशियल हाउस, यहाँ पे ये कंडीशन में लगा दिया, आपके पास पुराना घर नहीं होना चाहिए, तब आपको डिडक्शन जो मिलेगा वो कितना मिलेगा सर?
1.5 लाख यानी आप 3.5 लाख रुपए का टोटल क्लेम कर सकते हो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में भी। कहां 2 लाख रुपए हम कहां ले लेंगे 24B में, और 1.5 लाख रुपए कहां ले लेंगे हम 80EE के अंदर। क्या कहता है सर? कहता है डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक हाउसिंग, वही पुरानी बातें कह रहे हैं रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए, इन केस ऑफ प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड डिडक्शन टू बी ओवर द अबव 2 लाख 24B में, इन केस सच प्रॉपर्टी लेट आउट एंटायर क्लेम। बता रहा भैया 24 सिखा रहा है यहाँ पे हमें। वाइल द कंप्यूटिंग इनकम हाउस under section 80 can be claimed during the pre-construction period में भी claim किया जा सकता है, deduction under section 224 is not permitted। जब 24 हमें नहीं मना कर रहा था तब भी हम यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि दोनों जगह ले लोगे, एक जगह ले रहे हो तो यहाँ पे फिर के अंदर अभी के अंदर आपको नहीं मिलेगा। तो सारी घुमा फिरा के बातें इसने यही बताई हुई है। कहता है 80E double claim cannot be included in the pre-construction period। कहता है double E has been, डबल ई कौन सा, पिछले सेक्शन में अगर नहीं लिया हो तभी यहाँ पे आना है EEA के अंदर, किसमें EEA। तो ये एक नया सेक्शन है, मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट है सर, इसके लिए आप एग्जाम के लिए टिक कर लीजिए, आपके क्वेश्चन के बीच में पूछा जा सकता है, नहीं तो अलग से भी आ सकता है। चलिए सर आगे EEB, ये तो मैं कहता हूं आएगा ही आएगा, मैं कहता हूं कि आएगा ही आएगा। क्यों सर? अभी ट्रेंड में चल रहा है, जिसे देखो EV क्या है सर, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, जिसे देखो इसी के पीछे भाग वाली ले रहे हैं। बाइक चाहिए वो भी ढूंढ रहे हैं कहीं बैटरी वाली मिल जाए, कार चाहिए वो भी बैटरी वाली, क्यों? पेट्रोल का खर्चा बचाना है। गवर्नमेंट इसको प्रमोट भी कर रही है, भैया पेट्रोल का खर्चा बचाओ। ऐसे सिचुएशन में ये वाला सेक्शन लेके आ गई, बोली कि भैया जितना ज्यादा आप लोन लेके कार खरीदो, हम मना नहीं कर रहे, लोन लेके कार खरीदो, इंडिविजुअल हो तो चलेगा, ये कंपनी उंपनी को नहीं ले लेगा। पता चला आपकी कोई कंपनी और आपने कार ले लिया लोन लेके और आप चले जाओ 80EE का डिडक्शन लेने का सर, इंडिविजुअल हो, आपने क्या करा, एक स्कूटी फाइनेंस करवाई, स्कूटी कितने का था सर 2 लाख रुपए का स्कूटी ले लिया, इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले यही आते हैं, 1 लाख का स्कूटी ले लिया, 2 लाख रुपए का आपने क्या ले लिया सर, लोन ले लिया। इस लोन के ऊपर जो भी आप इंटरेस्ट पेमेंट करते जाओगे उस इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको मिल जाएगा 80EE के अंदर। कहता है द इंडिविजुअल हैज टेकन लोन फॉर द पर्पस ऑफ परचेस इलेक्ट्रिक व्हीकल, लोन सेंक्शन बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिडक्शन कितने तक ले सकते हो 1.5 लाख रुपए, टोटल इंटरेस्ट है ये 1.5 लाख रुपए इन रिस्पेक्ट ऑफ पेबल लोन, इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन, और कंट्रीब्यूशन कब तक होना, चाहिए 19 से लेके हो आएगा, अभी तो आपके एग्जाम में। तो मैं कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये ट्रेंडिंग में भी है तो उसी हिसाब से एग्जामिनर पूछ सकता है, एक सेकेंड, सर नेट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ओके चेक करिए एक बार, ठीक है क्लियर है नाउ, क्लियर होगा। ईवी के बाद आ जाते हैं सर अगले सेक्शन पे। सर अगला सेक्शन है 80G, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन के बीच में तो मिलेगा ही। अब सबसे मेन बात यहाँ पे कौन है, ऑल SSC। सर इसके अंदर ना दो कैटेगरी रखा गया है, एक तो रखा गया आपका लिमिट बेस और एक रखा गया है विदाउट लिमिट बेस। यहाँ पे लिमिट बेस में भी दो चीजें हैं, 50% वाला और 100% वाला। नो लिमिट बेस में भी दो चीजें हैं, 50% वाला और 100% वाला, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। कहता है डिडक्शन सर्टेन, यहाँ पे डोनेशन की बात चलेगी, आप चंदा दे दो तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन कंडीशन ये है आप कंपनी हो तो चंदा दोगे तो पीएनएल में डेबिट करोगे तो डिडक्शन नहीं ले सकते, और अगर पीएनएल में डेबिट नहीं किया तो डिडक्शन ले सकते हो। सर क्या कहता है ये कैटेगरी के अंदर, कहता है कि 100% डिडक्शन ऑफ द अमाउंट। कहता है कि कैटेगरी दो है, एक 100% वाला, एक 50% वाला है। तो 100% किस पे मिलेगा, 50, आपको 50 वाला याद कर लो, बाकी सब पे 100 मिलेगा। जैसे क्या है, पीएम ड्राफ्ट रिलीफ फंड, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, ये तीन के ऐसे ट्रस्ट फंड है जहां पैसा जमा करोगे, चार, इन चार जगह पे पैसा जमा करोगे, कहां, जवाहरलाल, इंदिरा गांधी और आपका राजीव गांधी, और एक ड्रॉप पीएम ड्रॉफ्ट रिलीफ फंड, यहां पे जहां सूखा पड़ जाता है वहां पे पैसा अगर डालते हो आप तो सर आपको 50%, अगर आपने इनमें फंड में पैसा लगा दिया ना 1 लाख रुपए, तो आप डिडक्शन 80G में ले सकते हो, कितना सर 50,000 रुपए का। लेकिन ये वाला जो सेक्शन है ना 100%, जैसे पीएम नेशनल रिलीफ फंड, नेशनल चिल्ड्रन फाउंडेशन फंड, स्वच्छ भारत कोष,
नेशनल डिफेंस फंड, इसके साथ एक और आ गया था क्या, स्वच्छ भारत को, उसके साथ एक और आया था शायद, बीमारी वाला भी कोई था ना, चलिए स्वच्छ भारत है और एक और ऐसे ही आया था। तो इसके काफी सारी ना बड़ी सारी लिस्टें हैं, तो वो लिस्टें ना मैंने डिटेल वीडियो के अंदर डिस्कस किया है, आप किताब में भी देखेंगे। तो बड़ी सीधी सी बात है, ये आपको कब मिलता है डिडक्शन, जब आप कहीं चंदा देते हो, तो आपको कहाँ मिल जाएगा डिडक्शन, एटीजी में। 100% का मतलब कोई लिमिट है सर? नहीं, जितना 1 करोड़ रुपए चंदा दो 1 करोड़ का डिडक्शन ले लो, बात खत्म है आपका। और यहाँ पे सर 1 करोड़ का चंदा दो 50,000 का ले लो, कौन सा है? हाँ, सारे एसएससी को मिलेगा ये, ठीक है। इसके बाद आगे देखा जाए सर, लिमिट बेस, लिमिट बेस के अंदर क्या है सर, 100%। और ये 100% में सबसे मेन क्या आता है एग्जाम के अंदर जो आता है, मैं बात करूंगा फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग पे आपको जो भी पैसा खर्चोगे उसके अंदर मिल जाएगा फैमिली प्लानिंग। बहुत पुराने सेक्शन है वो, फैमिली प्रमोटिंग करने के लिए। आप देखोगे कई बार ग्रामीण एरिए में ये साक्षरता चलाया जाता है, ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि फैमिली प्लानिंग के बारे में समझाया जाता है कि आपको फैमिली कितने प्रमोट करने चाहिए, कितने बच्चे होने चाहिए, किस तरीके से उनका पालन पोषण करोगे। तो उनके लिए वहां पे अगर आप डोनेट करते हो तो आपको सर 100% का डिडक्शन मिल जाएगा। बाकी जगह पे आप डोनेट करोगे तो 50%, जैसे गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी को डोनेट करते हो, चैरिटेबल पर्पस देयर या प्रमोट टू द फैमिली प्लानिंग, नोटिफाइड द टेम्पल ट्रस्ट, इनके बारे में यहाँ पे फैमिली प्लानिंग गलत आ गया, इसको ध्यान से एक पर काट दीजिएगा, यानी टेम्पल मॉस की रिपेयर के लिए आप पैसा देते हो तो 50%। लेकिन यहाँ पे सर लिमिट है सर, लिमिट यानी जीटीआई, एजीटीआई है, एग्रीगेट आपका टोटल। आप ध्यान रखिएगा इसके अंदर क्या है सर, इसके अंदर कहता है कि सर आपको ना एक नया तरीके से इनकम निकालना पड़ेगा, उसका आप 10% से ज्यादा का डिडक्शन नहीं ले सकते। तो नए तरीके से इनकम क्या है, कंप्यूट क्वालिफाइंग कैटेगरी नंबर 2, एडजस्टेड टोटल इनकम निकालना पड़ेगा। एडजस्टेड टोटल इनकम निकालने के लिए क्या कहता है, सारी इनकम को प्लस कर लीजिए, सारी इनकम को क्या करिए, प्लस कर लीजिए, इसमें से माइनस कर लीजिए कैपिटल गेन की इनकम को, इसमें से माइनस कर लीजिए लॉटरी वाली इनकम को, इसमें से माइनस कर लीजिए 80C से लेके 80U तक के डिडक्शन। लेकिन याद रहे इसके अंदर 80G को मत लीजिएगा, सबको माइनस करने के बाद जो भी आता है वो क्या बन जाता है, एग्रीगेट इनकम। तो जो भी हमारा 10% आता है या फिर जो हमने इन्वेस्ट किया विच एवर इज लोअर, वो हमारा क्या मिल जाता है, एग्जम्प्ट मिल जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने डिटेल में किया हुआ है। यहाँ पे क्या कहता है कि आपको कैश में नहीं देना, लेकिन नो डिडक्शन अलाउड, 2,000 रुपए तक आप कैश में दे सकते हो। एक बात और ध्यान रखना, जो एटीसी का डिडक्शन था ना, जो स्पेशल रेट वाले ट्रांजेक्शन होते हैं उसके ऊपर एटीसी एप्लीकेबल नहीं होता, जैसे कैपिटल गेन है। अगर आपकी सिर्फ कैपिटल गेन की इनकम है और आपने एलआईसी भी करा रखा है तो एटीसी नहीं लगेगा, ठीक है। तो वो एटीसी कैपिटल गेन के ऊपर नहीं डिडक्शन हमें देता है। आ जाते हैं सर ATGG। सर ATGG क्या है कि आपको क्या कर दिया गया है, आप जॉब कर रहे हैं और आपको एचआरए नहीं दिया जा रहा है, एचआरए नहीं दिया जा रहा है तो आप डिडक्शन ले सकते हैं, यानी रेंट पेड फॉर द रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, कहाँ जहाँ पे काम करते हैं। कितना मिलेगा सर, 25% रेंट पेड माइनस 10% 5,000 पर मंथ आपको डिडक्शन। ये तब नहीं मिल सकता जबकि आपका कोई घर हो वहां पे, आपका कोई घर नहीं होना चाहिए जिस सिटी में आप जॉब कर रहे हो, और आपके कोई परिवार भी उस सिटी में नहीं रहना चाहिए, तब आपको डिडक्शन मिल जाएगा ATGG का। यानी मैं बात करूं तो सीधा सीधा 5,000 × 12 60,000 रुपए का और एक्स्ट्रा डिडक्शन मिल जाता है, जो ज्यादातर सैलरीड पर्सन क्लेम कर लेते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, आपको एचआरए नहीं मिल रहा है वहां पे, एचआरए नहीं मिल रहा है। ATGG सर ये कुछ पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड आ गया है हमारे यहाँ पे, कहता है इंडियन कंपनी, कोई भी कंपनी हो कंट्रीब्यूट पॉलिटिकल पार्टी को करेगा तो डिडक्शन मिल जाएगा, अदरवाइज देन वे ऑफ कैश, कैश में मत देना चेक में दे देना। कोई भी कंपनी है, मान लेते हैं रिलायंस, रिलायंस ने क्या करा कि बीजेपी गवर्नमेंट को 500 करोड़ रुपए का चंदा दे दिया, तो उसे डिडक्शन मिल जाएगा। कहां मिलेगा सर, ATGG में। 500 करोड़ का डोनेशन किया तो कितना मिलेगा, पूरे 500 करोड़ रुपए से अपने प्रॉफिट को कम कर पाएगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो उस गवर्नमेंट को देखा जाए 500 करोड़ का, लेकिन पेमेंट किसमें करना है, नगद में नहीं देना, किसमें देना है, चेक से देना है। सर बोला गया चलो कंपनी ने तो गवर्नमेंट का फायदा कर दिया, अब इंडिविजुअल की बारी आ गई, तो इसको यहाँ पे रख दिया गया। एनी पर्सन अदर देन लोकल अथॉरिटी आर्टिफिशियल पर्सन, ये जितने भी है ये कवर्ड होते हैं, वो क्या करते हैं कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो ये यहाँ पे कवर हो जाएंगे। कहता है एनी पर्सन अदर देन लोकल अथॉरिटी नहीं होना चाहिए, वो क्या नहीं होना चाहिए, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नहीं होना चाहिए, वो क्या नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए, तब यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। यानी हम और आप जैसे आदमी अगर कोई भी डिडक्शन देंगे, पॉलिटिकल पार्टी चंदा देते हैं, लेकिन किसमें देना है सर, अदरवाइज वे ऑफ कैश यानी चेक में देना है। सर अगले सेक्शन QQB, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, कई बार थ्योरी पूछा जा चुका है। QQB क्या कहता है, रॉयल्टी। सर रॉयल्टी क्या होता है, रॉयल्टी इनकम ऑथर, ऑथर का मतलब जैसे सिंपल से मूवी बताऊं बागवान, बागवान के अंदर क्या था सर, अमिताभ बच्चन ने क्या करा, एक किताब लिख मारी और एक उस किताब की कितनी सेल होने लगी, जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन के पास क्या आ रहा था, चेक आ रहा था, दैट इज अ क्या है, रॉयल्टी। वो इसे क्या बोलेंगे हम,
रॉयल्टी, तो जब कभी भी आपको रॉयल्टी रिसीव होगा तो आपकी इनकम है तो उसके ऊपर डिडक्शन मिलेगा। तो ये इनकम बेस, मैंने क्या लिखा है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम, पैसे भी कमाओ और डिडक्शन भी मिल जाएगा। तो अगर कोई आप बुक लिख रहे हो लेकिन बुक के अंदर उन्होंने बोला हुआ है कौन सा बुक होना चाहिए, कहता है कंसिडरेशन ऑफ द असाइनमेंट ग्रांट ऑफ एनी इंटरेस्ट इन द कॉपी राइट ऑफ एनी बींग वर्क लिटरेसी, कौन सा बुक होना चाहिए, वर्क ऑफ लिटरेसी, आर्टिस्टिक होना चाहिए, साइंटिफिक नेचर का होना चाहिए, ऑल रॉयल्टी कॉपी राइट फी रिसीव। तो अगर मिलता है तो आपको डिडक्शन क्या मिलेगा, इनकम ड्राइव एक्साइज प्रोफेशनल फी और 3 लाख रुपए, यानी आपको जितना इनकम रिसीव हुआ है वो और 3 लाख रुपए, विच एवर इज लेस, आपको क्या मिल जाएगा वहां पे, डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन कंडीशन ये लगा दी सर कि वो रॉयल्टी इनकम आपकी 15% बुक वैल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझते हैं सर क्या कहना चाहते हैं, मान लेते हैं मेरी किताब एक कितनी की है सर, 1 लाख रुपए का है, तो मेरा लिमिट कितना है डिडक्शन का, 3 लाख रुपए, तो विच एवर इज लोअर, तो देखा जाए तो 1 लाख रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन 1 लाख का 15% से ज्यादा भी नहीं ले सकते। तो अब आपको चेक करना है 1 लाख और 15 हजार क्या मिलेगा डिडक्शन, 15 हजार रुपए, 85,000 पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन सपोज करो आपकी जो रॉयल्टी से इनकम आई है वो आई है 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए का अगर देखा जाए 15% तो कितना होता है 15 लाख, तो मैक्सिमम लिमिट कितना कर रखा है इन्होंने, 3 लाख, तो आपको डिडक्शन कितना मिल जाएगा, 3 लाख। बड़ी बेसिक सी बात कही हुई है। तो ये क्वेश्चन ना कभी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बीच में नहीं आएगा, डायरेक्टली बोलेगा 80QQB लिख दो। तो ये सेक्शन का थोड़ा नाम है ना QQB, इसमें बच्चा थोड़ा सा उलझ जाता है, पता नहीं क्या आ गया, ये इतना बड़ा सेक्शन क्या पूछ लिया उन्होंने। तो बेसिक सी चीज है रॉयल्टी। इसके बाद है RRB। अब RR के नाम से तो बहुत बच्चों को याद हो गया है क्योंकि मूवी भी देख लिया उसने RRR, लेकिन पहले याद ही नहीं होता था, पता नहीं क्या सेक्शन आ गया ये। तो क्या आ गया हमारा 80RR, क्या कहता है, रॉयल्टी पेटेंट, रॉयल्टी पेटेंट करवाने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन को अप्रूव्ड कराने के लिए मैंने पेटेंट करवा लिया फॉर्मूले का, तो उस फॉर्मूले को जब मैं किसी को दूंगा तो वहां से मेरा रॉयल्टी इनकम होगा। तो वहां पे भी क्या है सर, 3 लाख रुपए और जितना भी रिसीव किया वैच एवर आपका, कब, 1/4/2003 के बाद। कौन होगा यहाँ पे सर, रेजिडेंशियल इंडिविजुअल हो सकता है पेटेंटी। सर यहाँ पे भी देख लेना कौन होगा, रेजिडेंट इंडिविजुअल, ये बात ध्यान रखना क्योंकि एग्जामिनर चुपके से डाल देता है नॉन रेजिडेंट और ये सारी बातें बता देगा, बच्चा क्या करता है उसके अंदर डिडक्शन दे देता है जो कि हो जाता है गलत क्योंकि वहां पे रेजिडेंट के लिए है। तो इस बात का अच्छा खासा ध्यान रखना है। अब आ जाइए सर एक और लास्ट चलते हैं हम सर, ATTTA। ATTTA क्या कहता है, इंडिविजुअल हो या HUF हो दोनों को डिडक्शन मिलेगा, किसका सर, इंटरेस्ट का मिलेगा सर। कितना मिलेगा, मैक्सिमम लिमिट 10,000, जो भी आप FD वगैरह, FD को छोड़ दीजिए, FD को छोड़ दीजिए, जो सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट आता है, पोस्ट ऑफिस कहीं से भी आता है, तो आपको डिडक्शन कितना मिल जाता है सर, 10,000। लेकिन अब ATTTB भी आ गया, बोलता है अगर सर आप सीनियर सिटीजन है, यहाँ पे बोला गया इंडिविजुअल रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है, तो आपको लिमिट कितना डिडक्शन मिल गया, 50,000 तक डिडक्शन लेंगे, चाहे FD पे हो चाहे सेविंग पे हो, दोनों ही यहाँ पे चलेगा, चाहे FD पे हो चाहे सेविंग पे हो, दोनों ही यहाँ पे चलेगा, जिसको कहाँ रखा गया सर, ATTTB के अंदर। सर ये कभी भी अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आया हुआ है और क्वेश्चन के बीच में तो डेफिनेटली पूछेगा ही पूछेगा। इसके बाद लास्ट कहता है ATU बिल्कुल सेम ATDD की तरह है, क्या कहता है, रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए आपका डिडक्शन। अब यहाँ पे क्या है, रेजिडेंट इंडिविजुअल, और वहां पे चेक करें क्या है सर ATDD में, एक बार फटाफट देख लेते हैं जो फर्क कुछ बच्चे पूछते हैं ना ATDD में, क्या कहता है, रेजिडेंट इंडिविजुअल और HUF, यहाँ दोनों को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, सिर्फ रेजिडेंट, कहां गया भैया, कहां गया रेजिडेंट इंडिविजुअल। क्या कहता है, डिडक्शन इन केस ऑफ पर्सन इंडिविजुअल विद द डिसेबिलिटी, एनी पर्सन हु इज द सर्टिफाइड द मेडिकल अथॉरिटी, जो सर्टिफाइड करता है वहां पे डिडक्शन ले सकते हो। सर वही लिमिट आ गई वापस से, कितने, 75,000 रुपए आपको फ्लैट डिडक्शन मिलेगा। सर वहां पे भी फ्लैट डिडक्शन था 75,000 और 1/25, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है 80% से मोर पे, और यहाँ पे क्या है हमारा, अगर आपका 40% वाली लिमिट नहीं दी हुई है, फ्लैट डिडक्शन इन केस ऑफ पर्सन डिसेबिलिटी, यहाँ लिखा नहीं है, यहाँ 40 से 80 लिख देना, 40 से 80 वाले परसेंट वाला है, बाकी 80% से ज्यादा पे कितना है हमारा, 1,25,000। तो ये पूरा का पूरा डिडक्शन रिवाइज हो जाता है। फिर से एक बार देख लेते हैं कौन कौन से सेक्शन है, ATC में क्या है, लोन और आप कहीं पे डिपॉजिट LIC वगैरह करवाते हो। उसके बाद ATCC, ATCCC है, किस पे, NPS, कौन सा, LIC। उसके बाद ATCCD है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है पेमेंट वहां पे। उसके बाद ATCCD 1B है, 1B के अंदर 50,000 एक्स्ट्रा है। इसके बाद ATCCD 2 है, इसके अंदर सर अलग से जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है, दोनों CCD 1 में एम्प्लॉय था और यहाँ पे कौन आ गया, अब एम्प्लॉयर, उसका भी डिडक्शन उसे मिल जाता है। इसके बाद आता है ATD, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करोगे, कितना लिमिट है, 2,500 और 50, डिपेंड ऑन सीनियर सिटीजन हो या फिर नहीं हो। इसके बाद DD आता है, DD के अंदर क्या है, आप डिसेबल हो, डिसेबल आप अपने जितने भी डिपेंडेंट है रिलेटिवली है उसको करना है, किसके, आप खुद हो सकते हो, वाइफ हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं,
और उसके साथ भाई बहन भी हो सकते हैं जो रिलेटिवली आप पे टोटली आपके या फिर मेंटली आप पे डिपेंडेंट है। कितना है सर? 75,000 रुपए का फ्लैट डिडक्शन है या फिर 1,25,000, डिपेंड अपॉन द उसका जो भी हमारा डिसेबिलिटी है। इसके बाद अगला सेक्शन कौन सा आ जाता है? डीडीबी। यहाँ पे अगर कोई बहुत भयंकर बीमारी है आपको तो यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा। कितने का डिडक्शन मिलेगा सर? यहाँ पे डिपेंड करेगा कितने रुपए था डिडक्शन हमारा 80 DDB में। आपका 80 DDB के अंदर यहाँ पे था 1,00,000 रुपए, कितने 40,000 और 1,00,000, डिपेंड ऑन द के आपका यहाँ पे डिसीज ने डिसीज नहीं था। सीनियर सिटीजन के लिए 1,00,000 था, नॉर्मल पर्सन के लिए कितना था हमारा सर? 40,000। नॉर्मल पर्सन के लिए हमारा था 40,000। कहाँ गया? ये रहा हमारा 1,00,000 रुपए और 40,000 नॉर्मल पर्सन के लिए। इसके बाद क्या आता है सर? 80E, पढ़ने के लिए लोन लोगे उसका डिडक्शन मिलेगा। 80EE मर चुका है ये सेक्शन, ये किसके लिए था? हाउसिंग लोन के लिए था। 80EEA ये नया सेक्शन, इसके बदले जिंदा किया गया। यहाँ पे कितने के लिमिट डाल दी गई? 1,50,000 24B के अलावा। 80EEB बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सर, इलेक्ट्रिक व्हीकल में कितना डिडक्शन मिलेगा? मैक्सिमम 1,50,000, इंटरेस्ट के डिडक्शन की बात करता है। इसके बाद 80G चंदा दीजिए मिलेगा, 100% मिलेगा। 50 50 में कितने? 4, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी और ड्रफ्ट फंड, यहाँ पे 50% है। बाकी हर जगह पे कितना है सर? 1,00,000 रुपए। लिमिट बेस में 100% फैमिली प्लानिंग में, बाकी मस्जिद को रिपेयर वगैरह करवाते हैं तो 50% है। ग्रॉस टोटल इनकम इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ हमने किया हुआ है। 80GG अगर आपको HRA नहीं मिलता तो रेंट पेड करते हो तो आपको यहाँ पे डिडक्शन मिल जाता है। क्या लिमिट दे रखी है सर यहाँ पे? 25% 5,000 रुपए, और क्या रेंट पेड माइनस में 10% ऑफ इनकम। 80GGB पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे दीजिए कंपनी, आपको डिडक्शन मिल जाएगा, कैश में नहीं होना चाहिए। GGC कोई इंडिविजुअल है, पॉलिटिकल पार्टी को क्या दे दो? इंटरेस्ट दे दो, डिडक्शन नहीं मिलेगा, सॉरी डिडक्शन मिल जाएगा, कैश में नहीं हुआ। QQB रॉयल्टी रिसीव कर रहे हो, ऑथर हो तो, लेकिन कौन सी बुक लिखना? वो भी लिटरेसी होना चाहिए आपका, आर्टिस्टिक होना चाहिए, ये बुक लिखोगे 3,00,000 और 15% बीच एवर इज लोअर आपका वहां चलेगा। RRB रॉयल्टी किस पे? पेटेंट के ऊपर आपको मिलेगा तब होगा। 80TTA 10,000 रुपए तक सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट होगा तो मिलेगा आपको, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और 80TTB सीनियर सिटीजन हो तो मिलेगा। 80U के अंदर सिर्फ इंडिविजुअल को रखा गया और वही लिमिट आ गई हमारी, कौन सी वाली सर? 75,000 और 1,25,000, पूरा का पूरा डिडक्शन हमारा हो जाता है यहाँ पे रिवाइज। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में मेरे हिसाब से ध्यान से अगर आपने सुना होगा तो एक भी क्वेश्चन रुकने वाला नहीं है, फटाफट कर पाओगे। थ्योरिटिकल में तो आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। बताइए किसी का कोई डाउट? क्लियर है सारा अभी तक? तो सर आज हमने वन शॉट में डिडक्शन का मैंने कोशिश कराई कि कम से कम समय में आपको पूरा करा दिया जाए। ये आपका बेनिफिशियल पता है कब होगा? एग्जाम से पहले जा रहे हो, मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हो, डिडक्शन चैप्टर आपको याद नहीं आ रहा, चुपचाप हेडफोन लगाया ईयर में और पूरा आपने 25 से 30 मिनट के अंदर 1x 2x पे जितने भी देख सकते हो देखा और पूरा डिडक्शन आपने रिवाइज कर लिया, फिर एग्जाम हॉल में एंटर करें आपको सारी बातें याद रहेगी, तब बेनिफिट मिलेगा आपको इसका। बताइए कोई डाउट? सर कुछ बच्चे कह रहे थे PGBP हो चुका है, बस पार्टनरशिप वाला कल क्वेश्चन डल जाएगा, बस खत्म हो जाएगा PGBP। सारे थ्योरी के चैप्टर अगेन कहूंगा मैंने रिवाइज करा दिए, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसको जाके देखिए आप, सारे थ्योरी के चैप्टर रिवाइज हो चुके हैं, टोटल हो चुके हैं सर। सर ATC में क्या पूछ रहे हैं बताइए? ATC एक बार देखो, ATC जिसको समझ में नहीं आया मैंने बहुत क्विकली किया है, यहाँ पे ATC का फोल्डर में जाइए, डिडक्शन वाले चैप्टर में ATC मैंने पूरा एक दिन 1.5 घंटे में समझाया था सारी बातों को बोलकर, तो अभी आपके पास टाइम है, उसको 1x 2x पे देख के समझ सकते हैं। सिंपल सी बात है, ATC बोलता है पैसे इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको डिडक्शन मिलेगा, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, गुड नाइट। जो बच्चे नए ज्वाइन हो रहे हैं उन सभी बच्चों को बोलना चाहूंगा पढ़ने लग जाइए, परसों एग्जाम BCOM प्रोग्राम का है, मैंने सारा रिवीजन में डाल दिया है आपका थ्योरी, बस प्रैक्टिकल के कुछ क्वेश्चंस आज रात को मैं उसको भी प्रिपेयर कर दूंगा।